year 2021 was full of disappointment, but Gokarna was the only reason I am here. This trip is amazing. But when we planned this trip, we overlooked one of the very important fact that Gokarna was on red alert due to bad weather conditions and heavy rainfall, which might make this trip a regret or the worst trip of my life. Hey, what's up everyone? Almost 9 baj gaya nikalte nikalte and finally we are off to Gokarna. तो आज हम लोग इस ब्लॉग में हम लोग के साथ है श्रेया और एक नया मेंबर भी है जो गोकर्णा जाने वाली है. उसका ये सबसे पहला ट्रिप है, लाइफ का सबसे पहला ट्रिप है आई गेस. और सामने अगेन सुनील है और सोमा. सबसे ज़्यादा एडवेंचर तो सोमा कर रही है इस बार, बिकॉज वो कोलकाता से आई है यहाँ पे बस ये ट्रिप करने के लिए. वेदर लुक्स फाइन राइट नाउ, बट मुझे लग रहा है एक बार बैंगलोर जब हम लोग बैंगलोर से निकलने के बाद आई गेस बारिश होगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा क्लाउड है फिलहाल. क्या कर रही है ऊपर ऊपर हवा. सो गाइस वी आर ऑलमोस्ट हियर. हाँ, सिल्कोट से हमारे कुछ फ्रेंड्स हम लोग को ज्वाइन करेंगे. प्रियम, इशित और राम है इस ट्रिप. वो लोग पूरा ट्रिप बाइक से कवर करने वाले हैं. वहाँ इशित कैसे देख रही है मेरे को. हम बोल रहे हो कैसे मुझे देख रही है. क्या हुआ जीनी, तुमको बोलना है, बोल. कैसे लग रहा है इस ट्रिप में? ऑल राइट. हाँ, सो गाइज आफ्टर अ वन आवर ड्राइव वी रियली नीड सम ब्रेक एंड दिस इज द राइट टाइम. सो वी विल बी हैविंग द डिनर राइट नाउ राइट हियर एट दिस प्लेस. वेल लेट्स गो देन. सो गाइज खाने में फिलहाल बन रहा है, एक बुर्जी बन रहा है और नॉन वेज आ चुका है. तंदूरी रोटी एंड वी हैव चिकन फॉर द नॉन वेज गाइज. सो गाइज आफ्टर अ वंडरफुल डिनर वी आर बैक ऑन द रोड. यार मेरे को बस एक ही चीज़ का टेंशन हो रहा है एंड इट्स द वेदर, बिकॉज अभी तो बारिश नहीं हो रहा है बट आई एम श्योर कि कल बहुत ज़्यादा बारिश होने वाला है. वेल अभी के लिए आई विल से बाय बाय. आई विल स्टार्ट द ब्लॉग अगेन इन द मॉर्निंग. तभी के लिए यू जस्ट एन्जॉय द वीडियो. Hey guys, we have almost reached Gokarna. यहाँ का वेदर बहुत ही सही है. एक्चुअली दो टाइप का फीलिंग आ रहा है मुझे. एक तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ का क्लाइमेट देख के, और दूसरा इट्स स्केरी एक्चुअली, बिकॉज मुझे नहीं पता कि कोई ब्लॉग बनेगा कि नहीं बनेगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है. आप ऊपर भी देख सकते हो, इट्स ऑलमोस्ट क्लाउडी. एनीवेज जो भी होगा इट विल बी चैलेंजिंग, बट लेट्स सी क्या कर सकते हैं हम लोग. As we were getting closer and closer to Gokarna, things started looking very different and very challenging. Sometime it was a landslide, sometime bad weather, and sometime flood. We spent almost 3 hours trying to figure out option B, option C, or option D. And then finally the time had arrived when we literally said, this trip is over. ये लो श्रेय, 213 सेकंड फ्लोर. इनमें डाल दीजिए सर. एक इस था, चलो आ जाओ. 211 213 ये लो. ये तो बोलेगा नहीं पता भाई.
आज तक वो छिटकी नहीं वाला इसमें ही घुसा है। ओह गॉड नाइस यार, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई। सो गाइज आई डोंट नो क्या होने वाला है, बट राइट नाउ आई एम गोइंग टू स्लीप बिकॉज आई एम रियली एग्जॉस्टेड आफ्टर दिस टायरिंग ट्रिप। सो गुड नाइट एंड लेट्स होप कल का दिन इतना ज़्यादा बारिश ना हो, एटलीस्ट राइट नाउ आई नीड टू स्लीप। एंड वी गॉट द एग्जैक्ट मॉर्निंग दैट वी आर लुकिंग फॉर। जिनी'स एक्साइटमेंट लेवल वॉज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। वी डिडंट वेस्ट एनी टाइम एंड वेंट आउट फॉर अ सिटी टूर टू एक्सप्लोर दिस अमेजिंग डोसा शॉप for authentic Benne dosa. Ma, butter dosa. Butter dosa. Butter Benne masala. No. No. Gokarna plan didn't work, but all we could do at this point was to try what this place can offer us. That day, I realized rural India is incredibly beautiful. So guys, welcome to Shri Mukteshwar Temple. This temple is a really ancient temple which is built nearly on the 12th century and built by Kalyani Chalukya. आप देख सकते हो ये प्लेस कितना सही है। Religious place offers you a unique positive vibe that none other place can offer you. We all had a great time there. We spent almost 1.5 hours and enjoyed this ambience. After probably the worst trip in my entire life, if something really happened well, is this. Actually. Ole ole ole. चलो हो और आएगा सारा एक एक। So guys, this is Haveri special जवार रोटी। इसका स्पेशलिटी ये है कि this is like a पापड़। आप इतना क्रिस्पी होता है कि आप इसको तोड़ सकते हो बेसिकली। एंड दिस इज अगेन अ स्पेशल आइटम फ्रॉम दिस रेस्टोरेंट। ये क्या है भैया? निसारग्रह स्पेशल सब्जी। नाइस, अच्छा दिख रहा है। सो गाइज कल का इतना एग्जॉस्टिंग ट्रिप के बाद मतलब हम लोग का तो हालत ही ख़राब हो गया था। वी डिडंट हैड एनी होप, बट वी जस्ट हैड दिस विल कि यार कुछ तो करना है, बिकॉज प्लान ए तो पूरा ख़राब हो चुका था। गोकर्णा हम और जा नहीं सकते थे बिकॉज गोकर्णा में पूरा फ्लड आ चुका था। नियर गोकर्णा देर इज़ अ स्पॉट कॉल्ड कुमटा, जो मतलब जो मेन वे है गोकर्णा का बैंगलोर से वो कुमटा के थ्रू होता है। तो वेन वी रीच दिस प्लेस कॉल्ड कुमटा, द सिचुएशन वॉज हॉरिबल। जहाँ मतलब बहुत ज़्यादा पानी आया हुआ था कुमटा से, जो जहाँ पे हमने उनको जाना था वो दैट प्लेस वॉज लाइक 30 किलोमीटर्स अवे। तो वहाँ पे जाने के बाद हम लोग को पता चला कि देर इज़ अ स्मॉल रिवर और उसका पानी ओवरफ्लो होके पूरा रोड पे आ चुका था। सो उस रीज़न के चलते हम लोग वो रोड क्रॉस ही नहीं कर पाए। वी जस्ट वेटेड फॉर 2 आवर्स बट कोई भी ऑप्शन नहीं मिला हम लोग को लास्ट में, तो हम लोग को रिटर्न करना पड़ा। If life give you no way, but there is a pinch of will, then that will might take you somewhere like this. So we are here at Chitradurga Fort, and you can see behind me
So this is just a 5% view of the fort. We are not going to do the whole trek क्योंकि पूरा जो trek है वो 3 घंटे का है. 3 घंटे का trek तो हम लोग कर नहीं सकते, तो most probably हम लोग 1 घंटा आसपास इस जगह को explore करेंगे. So guys अभी हम लोग जाने वाले हैं ठीक उस पहाड़ के ऊपर. Okay, let's go. Dude, we are on a challenge today. It's a very, very heavy challenge. क्या challenge? What we are going to do is, the whole place takes 3 hours minimum. ठीक है. What we are going to do, we are going to break it in 1.5 hours. 1.5 hour? Yeah. Challenge? 1.5 hour challenge. चलो, करके देखते हैं. We didn't have this in our checklist, but what we got in return was beyond expectation. An absolute stunning fort and a must visit place if you love history and heritage of India. Or you just love to trek and explore the unexplored. This journey gave me a lot of challenges and hard times. But all's well that ends well. कोई भी जर्नी अच्छा या बुरा नहीं होता. It's all about experiences and memories जो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं. Like this story I am sharing with you guys right now. So guys, the hike is on. अब main चढ़ाई start होगा. This is the real adventure. राम भाई हम लोगों को lead करते हुए आज. Rush नहीं करना है. Easy है ना lead है. बारिश होना start हो गया भाई. भाई एक बार डैमेज कंट्रोल करते हैं, उतर पाएंगे कि नहीं वो एक बार देख ले. हाँ आई गेस हो जाएगा. गॉड नहीं राम नहीं हो पाएगा. नहीं हो पाएगा भैया. स्लिप कर रहा है. स्लिप हट जा भैया. स्लिप हो रहा है, बहुत ज्यादा स्लिप हो रहा है. बारिश नहीं होता तो कर लेता, ग्रिप नहीं है. सो गाइस जो ट्रिक हमने स्टार्ट किया था वो ठीक इस जगह से हमने स्टार्ट किया था, इस बॉटम पॉइंट पे, और हमें जाना था इस पॉइंट तक. बट अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट मेक दैट हैपन बिकॉज यार ये जो एक मिड पॉइंट पे आने के बाद एक्चुअली 2 माउंटेन ज्वाइन होता है, उस जगह पे मैं जाके रुक गया बिकॉज थोड़ा सा बारिश हुआ पड़ा हुआ था और जिसके चलते बहुत ग्रिप वगैरह नहीं बन पा रहा था, बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो गया था, तो मेरे को नीचे आना पड़ा. बट राम जा चुका है उस पॉइंट पे, आप देख सकते हो एकदम ऊपर पॉइंट पे राम खड़ा है. यहाँ से दिखेगा नहीं बट अगर वो कुछ शॉट्स या फिर कुछ फोटोज लेके आए वहाँ से आई विल शेयर विथ यू गाइस. कि राइट नाउ आई एम फीलिंग वेरी डिसअपॉइंटेड यार, शायद हो जाता बट एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ मोमेंट मेरे को लगा कि नहीं यार बहुत ज़्यादा रिस्क हो रहा है तो मुझे वापस आना पड़ा. वो देखो वहाँ पे पहुँच चुका है राम, एकदम टॉप पे खड़ा है. आई डोंट नो दिखेगा कि नहीं बट जो एक बंदा खड़ा है दैट इज़ राम. यार सीरियसली मेरे को बहुत बुरा लग रहा है, वहाँ से क्या व्यू आता. आ गया, आ गए द रियल पर्सन. भाई मेरा फट गया, मेरा फट गया बीच में. इराकी है, इराकी. पहले बता कैसा था एक्सपीरियंस, बताया यार. भाई ऑसम था, तुम लोग को आना चाहिए था. इतना डिफिकल्ट नहीं था, बेकार में लोग डरा रहे थे. अरे मेरे को बस पीछे नहीं देखना था, बहुत आसान. उसके बाद वहाँ से जो उतरने वाला रास्ता ठीक था, इजी था. उतरने वाला थोड़ा लंबा है बट इजी था. हाँ मतलब पैर में चुभता है पत्थर वत्थर, यहाँ पे बोल्डरिंग कर सकता. बोल रहा हूँ जिस दिन मेरा 1000 या 2000 सब्सक्राइबर हो जाएगा ना शायद मैं उस दिन तेरे साथ चढ़ जाऊँगा. ठीक है 85 या 95 के बीच में मैं खेल रहा हूँ. ठीक है अच्छा। उसके लिए मेरे से इतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा भाई. कुछ हो भी किया तो उन्होंने चंदा भी नहीं देगा. सही है फिर मिलाप में डालना पड़ेगा.
बीच में मेरे को लग रहा था भाई मैं गिर गया तो मेरा क्या होगा। If you like my travel video and if you wanna support me, then please subscribe my channel so that I can grow more and create such travel experiences. Thank you for watching my video.